आप सभी का अभिवादन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क डॉक्टर एचएस गौर यूनिवर्सिटी सागर द्वारा लर्निंग टू लिव विद कोविड 19 सोशियोलॉजिकल लैंडस्केप विषय पर आयोजित इस दो दिवसीय वेबिनार के समापन सत्र के अध्यक्ष हमारे अनन्य मित्र भाई और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के यशस्वी और तेजस्वी कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी जी। आज के सत्र में बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान देने वाले सम्मानित वक्तागण विशेषता है प्रोफेसर आर इंदिरा, प्रोफेसर डी के वर्मा, प्रोफेसर जगन कराडे, प्रोफेसर सी एस एस ठाकुर, प्रोफेसर माधव गोविंद, प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर नेहा जैन और अभी जिनका उल्लेख कर रहे थे मेरे भाई तिवारी जी, प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जी और जो अभी रिपोर्ट पढ़ रहे थे दो दिन के वेबिनार की डॉक्टर एस एस जैना जी, संचालन कर रहे डॉक्टर कालीनाथ झा जी। मुझे आप सबसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक गूढ़ आवश्यक और सामयिक विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम में संबद्ध होने का विशेष सुख है, विशेष करके तिवारी जी को सुनने और आप जैसे समाज शास्त्रियों की बात सुनने और गुनने का मुझे अवसर मिला है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। आज के दौर में समाज शास्त्र और समाज शास्त्रीय परिदृश्य, समाज और सामाजिक अवयव, समाज और उसकी धुरी, यह बहुत विचारणीय विषय हो गया है। कारण कि हम एक अदृश्य विषाणु कोविड 19 के नाम से विदित के दौर में रह रहे हैं, जिसका अभी हम बहुत ज़्यादा समापन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। फिर भी प्रयास है कि इस अदृश्य विषाणु को हम प्रभावहीन कर सकें और यह मनुष्य की जिजीविषा है, जिसके चलते कोई भी बाधा जो आती है वह समाप्त हो के ही रहती है, तो इसे भी समाप्त होना ही होना है। इस अदृश्य विषाणु का सामना करने में हम एक साथ आ पा रहे हैं वह तकनीकी की देन है और इसमें सबसे ज़्यादा सफल यही डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट की दुनिया है। तो क्रेडिट गोज टू दिस वर्ल्ड की जिसके माध्यम से हम आप सभी एक दूसरे को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और एक दूसरे से प्रेरित भी हो रहे हैं, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज का समाज बहुत सारे नामों को लेकर के इस मुकाम पर पहुंचा है। हम सभी ने यात्रा शुरू की ट्रेडिशनल सोसाइटी से, फिर तकनीकी दक्षता के दौर में, उपलब्धियों के दौर में यह समाज टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी हो गया और एक विशेष समाज शास्त्र हम पढ़ने लगे जिसे सोशियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसके बाद उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण के दौर में समाज का स्वरूप थोड़ा और बदला, सब कुछ अर्थ प्रधान हो गया और बाजार व्यवस्था ही दुनिया की मान्य व्यवस्था हो गई, सारी सत्ताएं उसी के प्रति केंद्रित हो गई, दुनिया में बाजार की तलाश होने लगी और इसलिए समाज का जो स्वरूप बदला उसे मार्केट सोसाइटी के नाम से जाना गया और इसी संदर्भ में सोशियोलॉजी का स्वरूप भी बदल गया। आज हम जिस फेज में हैं वह कोविड सोसाइटी है कि हम एक ऐसे फेज में आ गए कहने के लिए हम सोसाइटी में हैं। सोसाइटी का अर्थ ही होता है कि हम समावेशीकरण की प्रक्रिया में हों, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में हों, संस्कारीकरण की प्रक्रिया में हों, साथ साथ रहने की प्रक्रिया में हों, लेकिन ये जो फेज है इसे हम आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का फेज कहते हैं। समाज तो साथ साथ रहने का भाव रखता है लेकिन कोरोना ने समाज में एक नया शब्द दे दिया जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। आजकल एक और भी शब्द आ गया उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो समाज जहां दूरी घटाता है, कोरोना ने शब्द के माध्यम से दूरी बढ़ाया है, लेकिन वह जो दूरी है हमारी रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है और सक्रिय बनाए रखने के लिए है, क्योंकि इसका जो अवलंब है वो हमारा श्वास है। तो श्वास के माध्यम से जो बाहर हम श्वास निकालते हैं
और संक्रमित न होने पाए संक्रमित के माध्यम से, इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं आज की स्थिति में 2 गज की दूरी जरूरी है और यह लेकर हमें चलना चाहिए, मुंह पर मास्क लगा के लेकर चलना चाहिए, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना चाहिए, आज की ये जरूरी आवश्यकताएं हैं। अब हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी स्थिति पर भी थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। वस्तुतः समाजशास्त्र या सामाजिक परिदृश्य सामाजिक संबंधों, सामाजिक विन्यास, सामाजिक आकांक्षा, सामाजिक अपेक्षा और सामाजिक सक्रियता को शब्द स्वरूप भाष्य और व्याख्या करने वाली विधा है जिसे हम समाजशास्त्र के रूप में जानते हैं। और भी बहुत कुछ आप समाजशास्त्री लोग इसके विषय में कहते रहते हैं, हम लोगों की ये सीधी सपाट मान्यता होती है समाजशास्त्र के विषय में, जिसमें हम पूरी मानव समूह की महत्वपूर्ण इकाई जिसे समाज कहते हैं और उसके आधार परिवार को कहते हैं, इससे लेकर जितने संबंध बनते हैं, वस्तुतः समाज सामाजिक संबंधों का ही संजाल है, और इन्हीं संबंधों को और इससे जनित क्रियाओं को, अपेक्षाओं को, संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को हम समाजशास्त्र के माध्यम से जानते और समझते हैं। हम समाज के अगर मूल में जाएं तो भारतीय समाज पहले संयुक्त परिवार के ऊपर अवलंबित था। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सबके लिए एक निश्चित स्थान था। बाद में दुनिया ने प्रगति की, हम दो हमारे दो तक आ गए जिसमें पति पत्नी और 2 संतानों के लिए जगह थी। हमारे माता पिता कहाँ रहेंगे इस पर विचार नहीं हुआ। पश्चिम से हम प्रभावित हुए, प्रगति की दौड़ में संसाधनों का उपभोग किया जाना था, ज़्यादा लोग रहेंगे तो शायद उपभोग कायदे से ना हो पाए, कम रहेंगे तो ज़्यादा उपभोग होगा, इसलिए एक नया शब्द बना, पश्चिम से आया, हमने भी उसे अंगीकार किया, जिसे एटॉमिक फैमिली कहा गया। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इससे निर्मित जो एटम है अर्थात पति पत्नी और 1 संतान, इतने तक हम आ गए कि यह चलेगा। बाद में थोड़ा और आगे बढ़ गए, न्यूक्लियस फैमिली में आ गए। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पति पत्नी तक आ गए, और यही पश्चिम ने अंगीकार भी कर लिया। हम भी उससे थोड़ा प्रभावित होते रहे, लेकिन हमारे ऊपर तमाम प्रकार के ऋण होते हैं जिनका उतारना आवश्यक होता है, इसलिए परिवार में संतति का होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया से हम कभी मुक्त नहीं हुए। हमारी आरंभिक मान्यता ही रही है कि हम पूरी वसुधा को ही परिवार मानते रहे। आप सभी जानते हैं महोपनिषद में लिखा है, अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, पराये का है, यह संकीर्ण सोच वाले लोगों का मत हो सकता है, लेकिन उदार चरित्र के लोगों का, जो भारत के लोग हैं उदार चरित्र के लोग कहे जाते हैं, क्योंकि कृषि और ऋषि परंपरा के पोषक हम लोग हैं, तो इसमें उदारता के लिए स्थान है, तो उदार वृत्त के लोगों के लिए पूरी वसुधा ही परिवार है, और परिवार ही बढ़कर समाज बनता है, जुड़ता है तो समाज हो जाता है। तो हम उस समाज के मानने वाले लोग हैं जिसमें पूरी धरा में रहने वाले मनुष्य एक जैसे हमें दिखते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं और सभी के लिए हमारी चिंता होती है। यह भारतीय समाजशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि हम पूरी मानवता को लेकर के चलते हैं और इसी भाव से हम आचरण करते हैं, और यही आचरण हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार बनता है। यह समाज हमें संस्कार देता है, यह समाज हमें आधार देता है, यह समाज हमें पहचान देता है, यह समाज हमें स्थान देता है, और इसी सबको जब विवेचित करते हैं तो भारतीय समाजशास्त्र बनता है। और यही संदर्भ जब हम अन्य देशों में जाते हैं तो संबंधित देशों का समाजशास्त्र बनता है, और वस्तुतः हर समाजशास्त्र पर, हर देश के समाजशास्त्र पर उस देश की जो परंपरा होती है, उस देश की मान्यता होती है, उसकी जो सनातन विचारधारा होती है, उसका भी प्रभाव परिलक्षित होता रहता है। लेकिन आज हम जिस समाज में हैं, हमें लगता है हम पुनः प्रकृति की ओर वापस लौटे हैं। इस कोरोना ने सबको एक साथ परिवार में रहने के लिए विवश किया है, इसने प्रगति को अवरुद्ध किया है, आय उत्पादन के साधन रुके हैं, इन पर ग्रहण लगा है, तो तमाम स्थल हैं
जहां हम जाया करते थे सो लास सब पर प्रतिबंध लगा है। आवागमन के साधन अवरुद्ध हुए हैं। समाजशास्त्र की प्रगति में विज्ञान, ध्यान और अनुसंधान तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी के अंतर्गत हम यात्राएं करते हैं। लोक जीवन बनता है, लोक संस्कृति बनती है और लोक संस्कार आगे आता है। सब पर कहीं न कहीं ग्रहण लग गया, हम अपने मूल स्थान पर वापस आ गए। समाज तो साथ साथ चलने की वृत्ति है, हम साथ साथ चलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं और कल्याण की बात करते हैं। लेकिन इस अदृश्य कोरोना ने सब पर ग्रहण लगा दिया। हम जहां आजीविका के लिए गए हुए थे वहां से हमें अपने मूल स्थान पर वापस लौटना पड़ा। चाहे एक देश में हिंदुस्तान में महानगरों में हमने स्थान पाया हो विकास के लिए, आजीविका के लिए या आय के लिए, वहां से हमें वापस लौटना पड़ा। हमारे बहुत सारे छात्र, अभियंता, चिकित्सक, बैंक में काम करने वाले लोग अन्य देशों में अपनी सेवाएं देने के लिए गए थे, उन्हें भी इस संक्रमण के दौर में वापस आना पड़ा। विस्थापन एक समाजशास्त्रीय शब्द है, नए शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन एक नया शब्द भी आ गया कि हम कार्य के स्थल से अपने मूल स्थान पर लौटे हैं। यद्यपि विस्थापन के तमाम कारण होते हैं, हम अपने मूल स्थान को छोड़कर जब अन्य स्थान पर जाते हैं तो इसमें विस्थापन का भाव होता है। हम कभी व्याधि के कारण चले जाते हैं, आवश्यकता के कारण चले जाते हैं, तनाव दबाव के कारण चले जाते हैं जो आज के समाज में दिख रहा है, अथवा कहीं औद्योगिक स्थान खड़ा होता है, विकास के नए सोपान तय किए जाते हैं तो उस स्थान से हमें अलग स्थान पर जाना पड़ता है। ये सब विस्थापन के कारक और कारण माने जाते हैं। लेकिन आज का जो विस्थापन है दूसरे प्रकार का है, इसीलिए इसे रिवर्स माइग्रेशन एक नाम दिया गया है। हम जब अपने मूल स्थान पर लौटते हैं तो विस्थापन नहीं होता है, यह पुनर्वापसी होती है अपने मूल स्थान की तरफ। पश्चिम ने नाम दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया, चलिए जो भी चलता है उसे मान लेना चाहिए। हम अपने घरों में वापस लौटे। इस कोरोना से बचने का उपाय क्या दिया गया? आप अपने परिवार में रहें। आज हम पुनः अपने परिवार में हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं और जो हमारे सगे संबंधी हैं उनका हम ध्यान कर रहे हैं। प्रगति की दौड़ में हमने एक नया स्थान ही बना लिया था, वह विचित्र स्थान था। हम मार्केट सोसाइटी में बहुत ज्यादा रुचि लेने लगे थे और हाइपर इंडिविजुअलिज्म के दौर में आ गए थे। एक उच्च कोट का जो व्यक्तिवाद है हम अपने में सिमट कर रह गए थे। हमारी फैमिली में क्या होता था, पति पत्नी सबके लिए सेवा चाहिए, रोजगार का अवसर चाहिए। हम सुबह निकल पड़े और रात में आए तो बच्चों को देखे तो हम कौन सी फैमिली बन गए कि नाइट वाले पापा हो गए, नाइट की मदर हो गए, पूरे दिन के माता पिता हम रह ही नहीं गए। और बच्चों से हम संस्कार की अपेक्षा भी करने लगे क्योंकि हमारे पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं रह गया था। बच्चा या बच्ची आया के भरोसे और हम आय के भरोसे चले गए। आया के चक्कर में बच्चों के जीवन पर अच्छा असर नहीं पड़ा, बच्चे भी तकनीकी के चकाचौंध में रम गए। अब वह मोबाइल देखेंगे तो खाना खाएंगे, गाना देखेंगे तो खाना खाएंगे, गाना सुनेंगे तो सोएंगे। अब उसमें माता की लोरी के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। इस तरह सामाजिक विन्यास बदलता चला गया भौतिकतावाद की चकाचौंध में। राष्ट्र की सीमाएं इस संचार क्रांति और सूचना क्रांति के दौर में थोड़ी शिथिल हो गई थी। कोरोना ने पुनः सीमाओं को जटिल बना दिया है। सूचनाएं आ सकती हैं, व्यक्ति के आना जाना संभव नहीं। समाज विश्वास पर चलता है। आज का समाज संशय को लेकर के चलता है कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अब यह मान्यता है, ऐसा चिकित्सक लोग भी कहने लगे कि हर अपरिचित से मिलते समय अपने को सुरक्षित रखिए, हो सकता है कि वो अपरिचित ही ना हो, संक्रमित भी हो। तो यह दौर है संशय का, जबकि समाज संशय रहित बनाता है, हमें भय रहित बनाता है। इसलिए आज का जो सामाजिक परिदृश्य है यह संशय ग्रस्त है। जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे पास एक दृढ़ सामाजिक संबल होता है, यही हमारी शक्ति होती है समाज की। लेकिन हम इससे कहीं दूर चले गए थे, अब हम पुनः अपने मूल समाज में हैं जिसकी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता कि हाँ, लैंगिक समानता पर बहुत बल है। आप परिवार में जो बेहतर अर्धांश है उसका सम्मान करने लगे हैं और आपको अब दिखलाई देता है कि
कि उनका धैर्य, उनका संयम हमारे लिए कितना उपयोगी है। बहुत सारे लोग आज दुनिया में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, एक स्थान केंद्रित होने के कारण जो नए शब्द सुनाई देते हैं कि वह आज डिप्रेशन में है, वह स्ट्रेस की स्थिति में है, वह एंगर मतलब वह क्रोध की स्थिति में है। ये जो डिप्रेशन है, एंगर है, स्ट्रेस है, ये आज एक स्थान पर बैठने से अगर हो रहा है तो जैसे रिवर्स माइग्रेशन है या रिवर्स सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है। समाज में रहने के बाद तो ये चीज़ें होती ही नहीं। जब आप सबके साथ होते हैं तो आपके पास तनाव नहीं होता, आपके पास अवसाद का कोई कारण ही नहीं होता, क्योंकि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है, और यह समाज में ही होता है। तो एक विचित्र स्थिति है आज के समाज की, जिस पर चिंता और चर्चा करने की जरूरत है। इस समाज में जैसा मैंने कहा, नारी शक्ति के लिए बहुत सम्मान है। अब हम समझने लगे हैं कि कैसे परिवार में जो बेहतर अर्थान से घर में ही रहता है, सुखी रहता है, हमें संबल देता है, यह नई सीख हमें फिर मिली मातृशक्ति से कि कैसे हमें अपने स्थान पर रहकर भी सक्रिय हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने पुनः सीख लिया कि घर का खाना कितना महत्वपूर्ण होता है, पोषण कितना आवश्यक है। हम बाहर का जो फास्ट फूड एज है उसमें पहुँच गए थे, हम ये भूल गए थे कि दुनिया का फास्टेस्ट फूड तो हमारी भारतीय सभ्यता ने दिया हुआ है। लिट्टी चोखा, चिवड़ा, दही, सत्तू, इससे ज़्यादा त्वरित भोजन तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुपाच्य और सारगर्भित, तत्व गर्भित, तत्व संपन्न। तो हमें अब पुनः इस पर भरोसा हो गया है कि घर का जो खाना है यह सर्वोत्तम खाना है। तो न्यूट्रिशन और पोषण नए तरीके से हमारे विचार और व्यवहार में आ गया है, इस पर हम विचार करने लगे हैं। हम प्रकृति के समीप हो गए। जो प्रगतिगामी समाज रहा है उसने तो प्रकृति पर विजय पाने की कामना कर ली कि हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रकृति जयी होने का भाव आ गया। हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रकृति के अस्तवन का विधान है। हम घर में तुलसी रखकर पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, नीम वृक्ष की पूजा करते हैं। अब पुनः हमारी सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई हैं वनस्पतियाँ, और आज इम्यूनिटी बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है तुलसी की है, हल्दी की है, अदरक की है, ये जो वनस्पतियाँ हैं गिलोय की है। अब हम पुनः उस दौर में आ गए हैं कि वनस्पतियों के महत्व को समझने लगे। हमारा समाज सह अस्तित्व में विश्वास करता है, जल, जंगल, जमीन, जंतु सब साथ रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विषाणु ने बाहर जाकर शुद्ध वायु में भी शुद्ध तरीके से हमें श्वसन की प्रक्रिया से दूर कर दिया है, जबकि वायुमंडल बिल्कुल शुद्ध है, नदियां बिल्कुल धवल हैं, साफ हैं, लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा है कि विषाणु कहाँ कहाँ पहुँच गया है। तो हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पुनः सामूहिकता का भाव जागृत करने की आवश्यकता है। जो समाज की विशेषता है संवेदनशीलता, अब हम पुनः संवेदनशील हो गए हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे हैं, सगे संबंधियों का हालचाल पूछने लगे हैं, उन भारत वंशियों का हालचाल पूछने लगे हैं जो विदेश से आ नहीं पाए हैं। हमारी संवेदना बढ़ गई है, समाज चलता है संवेदना के भरोसे, समाज शास्त्र विकसित होता है संवेदना का सूत्र पकड़कर। अब हम पुनः संवेदनशील हो गए हैं। जो प्रभाव पड़ा है COVID-19 का वह सामाजिक गतिविधियों का पड़ा है, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक। बहुत सारे उत्सव हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा लोग सम्मिलित होते थे और इसके चलते बहुत ज़्यादा व्यय भी होता था। शादी समारोह आज भी होते हैं, सीमित संख्या में हो रहे हैं। एक जो आर्थिक दबाव कन्या पक्ष के ऊपर पड़ता था अब वह नहीं पड़ रहा है। इसे हमें अपने परंपरा में समाहित कर लेना चाहिए। कम से कम 50 लोगों के बीच में ही कन्या पक्ष वर पक्ष का मिलें तो शादी समारोह उत्तम तरीके से हो सकता है। कम से कम कन्या पक्ष पर बोझ तो नहीं पड़ेगा, इस पर नए सिरे से हमें सोचना पड़ेगा। मनोरंजन के जो साधन हैं वह बंद हैं, सिनेमा हॉल, जो विपणन के साधन हैं मॉल बंद हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी जो दैनिक चर्या है, दिनचर्या है, जीवनचर्या है, वो संचालित नहीं हो रही। यह इस बात का संकेत है कि पुरातन सामाजिक व्यवस्था
जिसमें संतोष और संयम के लिए स्थान था, अब पुनः हमें स्वीकार करना चाहिए। कारण कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का विधान तो प्रकृति कर सकती है, लेकिन लालसाओं और इच्छाओं की पूर्ति का विधान तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात हमें संयम का परिचय देना चाहिए और संतोष भी करने की वृत्ति डालनी चाहिए। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। अब कुछ मुद्दे हैं समाज के आजकल जो चर्चित हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव का विकास शहर में, शहर का नगर में, नगर का महानगर में, और मेट्रो सिटीज हो गई, यहां तक हमने विकास के क्रम को मान लिया। गांव से ऊपर जो ये सभ्यता के विकास के केंद्र हैं, इनको विकसित करने में गांव के लोगों का ही सहयोग रहा है, यहीं से लोग गए। अब जो नई सामाजिक संरचना होगी, अब महानगरों में भी यहाँ से जो दक्ष कामगार जा रहे हैं, कुशल या अकुशल, चिकित्सक या अभियंता, उद्योगों में इनके लिए भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए और इनके लिए निवास की सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कभी कोई ऐसा संकट आता है, भगवान न करें आए, तो इन्हें साल दो साल रहने में और रहकर वहाँ से अपनी आजीविका चलाने में कोई कठिनाई न आए, अचानक भगदड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब नए तरीके के महानगर बनने चाहिए, जो स्मार्ट सिटीज हैं, अब उनका स्वरूप भी बदलना चाहिए। अभी आपके कंसेप्ट में ही है ये कि स्मार्ट विलेज भी बनने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उद्घोष किया है, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक योर लोकल द ग्लोबल, कि आप स्थानीय उत्पादों के लिए आप मुखर बनिए और उन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए आप सचेष्ट होइए। इससे जो हमारी उपलब्धियां हैं स्थानीय स्तर पर, हमारा ज्ञान स्थानीय स्तर का है, इसे हम दूर तक पहुंचा पाएंगे। हम आप सभी जानते हैं कि आज के विषाणु को निष्क्रिय करने या प्रभाव शून्य करने के लिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना आवश्यक है, और इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारा स्थानीय आहार या खान पान बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हमारे सभी अंचल में देश के वनौषधियाँ हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ लताएं हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मैं जिस अंचल में हूँ, यहाँ वनौषधियों का जखीरा है, बहुत वनौषधियाँ हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। स्थानीय लोगों से इनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें हम जनजातीय समाज कहते हैं, वह समाज समृद्ध समाज है जिसके पास परंपरा से प्राप्त ज्ञान की थाती है कि हम किस वनस्पति से अपने को मजबूत कर सकते हैं, हम किस विधा से धरती में छिपा हुआ रत्न लौह तत्व प्राप्त कर सकते हैं, यह इस अंचल के निवासियों के पास है। इसलिए अब विभिन्न स्थानों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के समाज के बीच में अब पारस्परिक सहमति की जरूरत है, पारस्परिक संवाद की जरूरत है, पारस्परिक समेकन की जरूरत है। संचार माध्यम इसके लिए हो गए हैं। तो इस तरह से जब समाजों में अंतःक्रिया होगी, सब मिलेंगे, तो ज्ञान का प्रसार भी होगा, विस्तार भी होगा, और जीवन स्तर जिसे हम भौतिक सुख सुविधाओं से निर्धारित करते हैं, उसकी परिभाषा बदलेगी। इस देश में अथवा दुनिया में रहने वाला मानव समुदाय हमारे ही समुदाय का एक हिस्सा है। हमें अपने साथ साथ बृहत्तर मानव समुदाय की चिंता करने की जरूरत है। इसलिए अब हमें अपनी लाइफ स्टाइल भी बदलनी पड़ेगी, और इस लाइफ स्टाइल को बदलने में पुनः हमें सामूहिकता का भाव लाना पड़ेगा, वैज्ञानिक वृत्ति लानी पड़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित करनी पड़ेगी, और समाज और अर्थ का जो संबंध है, इसे नए तरीके से रखना पड़ेगा। हम आप सभी जानते हैं कि आर्थिक चक्र प्रगति का सोपान होता है और 10 साल में अवश्य ही यह मंदी का शिकार हो जाता है। मंदी के कई कारण होते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि आर्थिक निवेश, पूंजी, प्रसार, विन्यास जिस तेजी से ऊंचाई पर गया है, अचानक वह धरातल की ओर चला जाएगा और उसका कारण एक अदृश्य विषाणु बनेगा। जब इस चक्र का पहिया नीचे आता है तो खड़ा होने में कम से कम 3 वर्ष लग जाते हैं। हिंदुस्तान वह देश है
जिसके पास सामर्थ्य है कि एक साल में ही खड़ा हो जाता है। कारण कि हमारा जो ग्राम्यांचल में रहने वाला समुदाय है, परिवार है, समाज है, वह वस्तुतः कृषि आधारित समाज है। और उस समाज की विशेषता क्या है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो साल भर के लिए अपने पास रख लेते हैं, सुरक्षित भंडार होता है। उसके अतिरिक्त जो होता है उसे हम बाजार में दे देते हैं, अर्थात कोई भी आर्थिक मंदी हमें तत्काल प्रभावित नहीं कर सकती। दुनिया के बहुत सारे देश विशेष कठिनाई के दौर में आ गए, लेकिन आहार को लेकर हमारे देश में कभी समस्या नहीं रही। हमारा भंडार कितना संपन्न है कि हम अगले 5 साल तक खिला सकते हैं। ये ताकत है हिंदुस्तान की, वह कृषि परंपरा की है। इसलिए आर्थिक विन्यास को जब नए सिरे से नियोजित करेंगे, लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग को लेकर, बृहद उद्योग को लेकर, तो अब कृषि को भी उद्योग के रूप में मान्यता देंगे। इसमें भी रोजगार के अवसरों की तलाश करेंगे। हार्टिकल्चर होगा उसमें भी हम तलाश करेंगे, जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इंडस्ट्री तैयार करेंगे। स्थानीय स्तर पर जो वनोपज है, वनस्पतियों से पैदा होने वाला सामान है, उसे हम तैयार करेंगे। इसलिए जो रिवर्स माइग्रेशन शब्द आया है, या पुनर्वापसी, या व्यवस्था की वापसी, आप इसे बेहतर तरीके से कह सकते हैं, व्यवस्था की स्थिति में वापसी हुई है, तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर ही क्या संसाधन हैं, क्या स्रोत हैं और क्या संभावनाएं हैं, इनको विचार करके उद्योग स्थापित किए जाएंगे और यहाँ फिर लोगों के रोजगार का अवसर होगा। हम सभी कुटीर उद्योग धंधों से परिचित हैं, उस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। दक्षता और योग्यता के हिसाब से लोगों को काम मिलेगा और इस उत्पादन को पुनः हम वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाएंगे। बाजार और विपणन की व्यवस्था के माध्यम से हमारे देश में भी जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन और वितरण में संतुलन करने की जरूरत है। और ऐसे में ही जो सतत विकास का लक्ष्य है कि इवेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, अन्य इवेंट डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। एक स्थान पर बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, दूसरे स्थान पर विकास ना हो, तो इससे समाज आहत होता है। इसलिए पूरे मानव समाज के लिए हमें इवेंट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया में पारस्परिक संवाद की नई विधा को पुनः लेकर के चलना चाहिए, जो हम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का पुनः ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो हम लोग टीवी सीरियल के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी भी अब उससे सुसज्जित हो रही है। जो ज्ञान बोध परंपरा है हिंदुस्तान की, उससे अवगत हो रही है। और परिवर्तन का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वह शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम बड़े से बड़ा परिवर्तन करते हैं। और इसमें आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मोड से शिक्षा दी जा रही है, जिसके लिए हमारे मानव संसाधन मंत्री जी निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं, वो आज की युगीन आवश्यकता है। हम आप सभी जानते हैं कि यातायात के साधन अवरुद्ध हैं, एक से दूसरे स्थान पर जाना सहज नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। इसलिए हम जहाँ हों वहीं से अध्ययन की प्रक्रिया में आएं। हम सब उच्च शिक्षा से संबंधित हैं, सभी विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, विद्यालयों के, प्राथमिक विद्यालयों के सारे दक्ष शिक्षक अपने अपने विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क में हैं और अपने जो विषय की जानकारी है, जो बोध है, जिसमें दक्षता है, अपने ज्ञान से सारे बच्चों को लाभान्वित भी कर रहे हैं। अब हम नए तरीके से अध्यापन और परीक्षण की व्यवस्था में लगे हैं, जो आज की ज़रूरत है, और उसके अनुकूल हम विद्यार्थियों के समय को और भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः आगामी समाज, आने वाला समाज तो युवा पीढ़ी का ही समाज है। हिंदुस्तान का समाज, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, एक समावेशी समाज है, जिसमें सबके लिए एक निश्चित स्थान होता है। यह समाज सबका संबल बने, जो आज समाजशास्त्रीय परिदृश्य है, इस पर हम पुनः नए सिरे से विचार करें, शिक्षा के माध्यम से संस्कार व्यवहार में पारंगत करें और व्यक्ति को दक्ष बनाएं। शिक्षण संस्थानों का मोटो होता है प्रवेशार्थ, यहाँ विद्यार्थी या जिज्ञासु आएं और जब यहाँ से जाएं तो समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और सर्वोपरि मानवता की सेवा करें। ऐसा करके ही हम स्थान और विस्तार, जिसे स्पेस कहते हैं, सबके लिए हम विचार कर सकेंगे।
सबके लिए हम चिंता कर सकेंगे। और यह जो नया समाज शास्त्र होगा आज का, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, यह अतीत और भविष्य के बीच का संधि स्थल है। इससे नई दिशाएं निकलेंगी। भविष्य का समाज और मजबूत समाज होगा, भविष्य का समाज और आपस में जुड़ा हुआ समाज होगा, भविष्य का समाज एक प्रेरक समाज होगा, भविष्य का समाज ऐसा होगा जिसके सभी सदस्यों में आशा का नए सिरे से संचार होगा। और इसी के आलोक में समाज शास्त्र सामयिक और आगत समस्याओं का चिंतन करेगा। आइए हम आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाएगी, जिसमें बहुत कुछ मनुष्य बनाम मशीन, तकनीकी और टैलेंट के संबंधों से निर्धारित होगा, लेकिन उसमें मानवता और मानवीयता के मूल्य बने रहें वह आज के समाज को करना है, और समाजशास्त्रियों को उसकी दिशा निर्धारित करनी है। आने वाली ज्ञान की दुनिया में हम ज्ञान के क्षेत्र में सुपर पावर बने, इसके लिए शिक्षा संस्थानों से जुड़े सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि आपके माध्यम से ही अपने राष्ट्र का यह सपना पूरा होगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको साधुवाद। समाज शास्त्र विभाग और समाज कार्य विभाग ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया, इसके लिए पूरे विभाग, वहाँ के दक्ष शिक्षकगण को साधुवाद, और अंततः हमारे मित्र प्रोफेसर तिवारी जी को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप सबसे मिलने का मुझे अवसर दिया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।